प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कच्चे घर एवं झोपड़ी में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को रहने के लिए पक्का मकान बनवाने का प्रावधान है। परंतु बड़ी अफसोस की बात यह है कि जनपद मऊ ब्लॉक रतनपुरा ग्राम पंचायत पीपरसाद में उषा देवी सहित 50 परिवारों का मकान न होने के वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का बा का बा गेहूँ फूल सर गए खैला खैला का मुँह तन जा अब रोजगार कर तन जा खाची माटी कर ले तब न किन के खा जाए किन के खा जाए पाँच गो लड़का बना के तो हम जियावल खियावल जाए पढ़ाई लिखाई बाटे खाची माटी कह के लड़का पढ़ाव तन जा सरकारी में आ के तरीका कहीं जा मन के रात भर बैठ के बिहान कर तन जा आ भियाँ लूट के भियाँ तिरपाल बिछा के सुते नहीं जा एगो घर हम मरई वही में सुते नहीं जा बैठे नहीं जा रसोई पानी वही में फूल होला का कल जाए गरीब आदमी कहाँ से उठ कर लड़का जी आई कि घर द्वार बनाई मतलब प्रयास में का कैसे कहले बढ़ जा प्रधान से कहले बने का कहना जा का कहना जा कहना जा कि सुनइए ना आदमी ले ना प्रधान सुनइए ना ले ना उठ कर ना देख के जरे ना गरीब आदमी के ना उठ कर ला समस्या ये बा कि घर द्वार ये ना बाढ़ बुढ़ आवत तो कुल बह जाता आ लड़का छहर हित ना केहू आवता तेनी उन्हें बाहर भीतर आदमी लेके कितर गुजर बसर करता गेहूँ अनाज जो कमात बा रोजी रोटी करता तेन भिजता लड़का छहर सब कुछ बा गोई बुनी बरखा में कापत बा लेके इन्हें उन्हें ढुकत बा तब वारना से कहला जा के आवास चाहिए हमारा के प्रधान से कहल जाला जे जगह माला नेता गरीब आदमी कहते बा ओकर कोनो सुनवाई नहीं के घर अगर बन जाए तो का फायदा हुए विकास हमारा हो जाए खटिया मटिया केवाड़ी दरवाजा लग जाए तो राशन पताई सब कुछ हमें धक के बन करके आए लेकिन के खा पी के गुजर बसर कर ले। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप रतनपुरा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454446440 पर फोन करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं सतेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश जनपद मऊ से इंडिया अनहट के लिए।